गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज इंडिफरेंस कर्व। इन दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड डायग्राम ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट है वो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है पेरिटो। सबसे पहले इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं पेरिटो, सबसे पहले इन्होंने इंडिफरेंस कर्व को यूज़ किया था अपनी बुक के अंदर। उस बुक का जो टाइटल था वो है कैपिटल एंड वैल्यू, कैपिटल एंड वैल्यू। इस बुक के अंदर एक टॉपिक था कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले पेरिटो ने इंडिफरेंस कर्व को यूज़ किया था। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाज फर्स्टली यूज बाय पेरिटो इन हिज बुक कैपिटल एंड वैल्यू इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, इंडिफरेंस कर्व वाज फर्दर यूज बाई हिक्स एंड सेलेस्की। हिक्स एंड सेलेस्की यूज इंडिफरेंस कर्व इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस, पहला जो अजम्पशन है वो है कि हम इसमें ऑर्डिनल अप्रोच यूज करेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी सेकंड अजम्पशन है डिस्टर्ब। सेकेंड अजम्पशन है वी कंज्यूम ओनली टू गुड्स, हम सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, एक्स और वाई, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। इसके अंदर ये भी इसमें अजम्पशन है क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पर सपोज गुड्स वाई ले लिया, वाई एक्सिस पर गुड्स एक्स ले लिया, हम सिर्फ दो ही गुड्स ले सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर, दो से ज़्यादा गुड्स हम नहीं ले सकते, इसलिए सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम करेंगे, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड बाय कंज्यूमिंग टू गुड्स रिमेन सेम, दो गुड्स को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसमें दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है, गुड्स एक्स और वाई के ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई।
ओके। और ये जो ए बी सी डी ई, ये जो फाइव कॉम्बिनेशन है गुड्स एक्स और गुड्स वाई के, कॉम्बिनेशन ए क्या शो कर रहे हैं, गुड्स एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करेंगे और वाई की 11। बी शो कर रहा है गुड्स वाई एक्स की दो यूनिट कंज्यूम करेंगे और गुड्स वाई की 7। ओके, एक्स और वाई के हर कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, ये अजम्पशन है, अज्यूम किया है, सपोज किया है, ठीक है। और एक और अजम्पशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई इज कंटिन्यूसली डिक्रीज। ओके, ये अजम्पशन मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा जब ये टेबल को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लास्ट वाला अजम्पशन कि MRS कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। अब MRS क्या होता है और कैसे डिक्रीज होगा, ये इस टेबल से समझ में आएगा आपको। तो अजम्पशन कौन कौन से हो गए कि ऑर्डिनल अप्रोच यूज करेंगे, दो गुड्स कंज्यूम करेंगे, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, और एक्स और वाई के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है हर कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, MRS कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, ये इसके अजम्पशंस हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, अजम्पशंस हो गए, अब मीनिंग और डायग्राम। ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के थ्रू हम मीनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम भी एक्सप्लेन हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। सपोज गुड्स एक्स और गुड्स वाई दो गुड्स हैं जो आप एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज गुड्स एक्स की एक यूनिट, गुड्स एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करने पर सपोज आपको टू यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, और गुड्स वाई की 11 यूनिट कंज्यूम की, और गुड्स वाई की 11 यूनिट कंज्यूम करने पर सपोज आपको 18 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, तो टोटल सेटिस्फेक्शन आपका कितना हो गया, 20। अब सेकंड कॉम्बिनेशन, गुड्स एक्स की दो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, एक यूनिट कंज्यूम करने पर दो यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अगर सेकंड कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेंगे तो गुड्स एक्स की दो यूनिट कंज्यूम करने पर सपोज 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकंड जो कॉम्बिनेशन है उसमें सेकंड
कॉम्बिनेशन में अगर दो यूनिट कंज्यूम करते हैं गुस्स एक्स की तो चार का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, और अगर वाई की सेवन यूनिट कंज्यूम करेंगे सपोज सेटिस्फेक्शन जो मिला आपको 16 का मिला। जब वाई की यूनिट 11 से 7 हो गई तो सेटिस्फेक्शन भी 18 से 16 हो गया, कम हो गया। एक्स की यूनिट 1 से 2 हो गई तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर 2 से 4 हो गया। अब टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है, 4 और 16 मिलाकर कितना हो गया 20। थर्ड कॉम्बिनेशन अगर हम कंज्यूम करते हैं तो एक्स की 3 यूनिट कंज्यूम की, एक्स की 3 यूनिट कंज्यूम करने पर सपोज सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो 6 यूटिल का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, और वाई की 4 यूनिट कंज्यूम की तो सेटिस्फेक्शन सपोज 14 यूटिल का मिल रहा है। वाई की यूनिट 7 से 4 कम हो गई तो सेटिस्फेक्शन भी 16 से 14 हो गया। एक्स की यूनिट 2 से 3 हो गई तो सेटिस्फेक्शन भी 4 से 6 हो गया। अब टोटल सेटिस्फेक्शन 6 और 14 मिलाकर कितना हो गया 20। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई दो गुड्स हैं, इन दो गुड्स के ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई, है ना। 1 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं, 11 यूनिट वाई की कंज्यूम कर रहे हैं, 20 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। बी कॉम्बिनेशन है एक्स की 2 यूनिट वाई की 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। एक्स की 3 यूनिट वाई की 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स एक्स और वाई दो बुस हैं, इन दो बुस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, अब चलिए इंडिफरेंस कर्व कैसे कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि एक्स और वाई जो दो गुड्स हैं, इन दो गुड्स के ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इन कॉम्बिनेशन को जिस कर्व से शो करेंगे वो कर्व क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज डेट कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व इज डेट कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, एक्स वाई दो गुड्स हैं, इन दो गुड्स के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं 1 और 11, 2 और 7, 3 और 4, एक्स और वाई ये दो गुड्स हैं, इन दो गुड्स के ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई ये जो दो गुड्स हैं, इन दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जिस कर्व से शो करेंगे वो कर्व क्या कहलाएगा, इंडिफरेंस कर्व। अब कैसे शो करेंगे, अब वो डायग्राम में देखिए। एक्स की हम 1 हमने गुड्स एक्स जो लिया है वो वाई एक्सिस पर लिया है, और जो गुड्स वाई है वो एक्स एक्सिस पर लिया है, कोई भी कहीं ले सकते हैं। गुड्स एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और वाई की 11, तो 11 के ऊपर 1 के सामने पॉइंट ए। गुड्स एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 के सामने, वाई की 7 तो 7 के ऊपर सेकंड पॉइंट। एक्स की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 3 के सामने, वाई की 4 तो 4 के ऊपर। एक्स की 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 4 के सामने, वाई की 2 यूनिट तो 2 के ऊपर। एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं,
वाई की एक यूनिट, इन पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे एक कर्व बन जाएगा, ये कर्व क्या कहलाएगा? इंडिफरेंस कर्व। अब अब दोबारा सुनिए, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो एक्स और वाई दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को क्या करता है, वो शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, और हर कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है, इसलिए इसका एक नाम और भी है, आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व, आइसो का मतलब होता है इक्वल, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, इक्वल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, इस वजह से इसका नाम जो है वो आइसो यूटिलिटी कर्व भी है। तो अब देखिए, ये वी कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं कि हम एक्स की चार यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, वाई की दो, सी शो कर रहे हैं कि एक्स की तीन कर रहे हैं, वाई की चार, ए शो कर रहे हैं कि एक्स की वन यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, वाई की 11। तो इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो एक्स और वाई दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, और हर कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ओके, अब एक पॉइंट था इसमें एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्या होता है कि गुड्स एक्स की एक गुड्स एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर गुड्स एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर गुड्स वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी। ओके, जैसे गुड्स एक्स की वन से टू, गुड्स एक्स की वन से टू एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की, गुड्स एक्स की वन से टू एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की, तो वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की? 11 से 7, कितनी सेक्रीफाइस की? 4। क्यों सेक्रीफाइस की? ताकि सेटिस्फेक्शन कह रहे रिमेन सेम रहे। अब 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 4 आ गया। 4 क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक गुड्स एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट 2 से 3, एक एक्स्ट्रा यूनिट 2 से 3 कंज्यूम करने पर वाई की कितनी यूनिट 7 से 4 कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी? 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, ताकि सेटिस्फेक्शन 20 का 20 के रहे सेम रहे। इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी यूनिट ऑफ गुड्स वाई सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स सो डैट सेटिस्फेक्शन रिमेन सेम।
ओके, इट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, अभी मैंने इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताया, इन डिफरेंस करता अजम्पशन, मीनिंग, डायग्राम और शेड्यूल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।